हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को सनटीज चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं होली रिलेटेड वोकैबुलरी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है होली। इसे हम इंग्लिश में भी बोलेंगे होली। होली होली को हम रंगों का त्यौहार भी बोलते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फेस्टिवल ऑफ कलर्स। फेस्टिवल ऑफ कलर्स मीन्स रंगों का त्यौहार। नेक्स्ट है होली आने वाली है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे होली इज राउंड द कॉर्नर या होली इज अराउंड द कॉर्नर, मीन्स होली आने वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस है बुरा न मानो होली है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट माइंड इट्स होली। डोंट माइंड इट्स होली मीन्स बुरा न मानो होली है। नेक्स्ट है होलिका, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बोनफायर। बोनफायर मीन्स होलिका। नेक्स्ट है होलिका जलाना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइट। लाइट मीन्स होलिका जलाना, जैसे चलो होलिका जलाएं, लेट्स लाइट द बॉनफायर। लेट्स लाइट द बॉनफायर। नेक्स्ट है परिक्रमा लगाना, जैसे होली के चारों ओर हम परिक्रमा लगाते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवॉल्व। रिवॉल्व मीन्स परिक्रमा लगाना, जैसे आओ होलिका के चारों ओर परिक्रमा लगाएं, लेट्स रिवॉल्व अराउंड द बॉनफायर। नेक्स्ट है होली खेलना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्ले होली। प्ले होली मीन्स होली खेलना, जैसे चलो होली खेले, लेट्स प्ले होली। लेट्स प्ले होली। नेक्स्ट है पिचकारी, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाटर गन या आप बोल सकते हैं स्क्वाड गन, मीन्स पिचकारी। नेक्स्ट है पिचकारी मारना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वैट। स्क्वैट मीन्स पिचकारी मारना, जैसे मुझ पर पिचकारी मत मारो, डोंट स्क्वैट एट मी। डोंट स्क्वैट एट मी। नेक्स्ट है पिचकारी भरना, इसे हम इंग्लिश से बोलेंगे फिल। फिल मीन्स पिचकारी भरना, जैसे जल्दी पिचकारी भरो, फिल द वाटर गन फास्ट। नेक्स्ट है गुलाल, इसे हम इंग्लिश से बोलेंगे कलर्ड पाउडर। कलर्ड पाउडर मीन्स गुलाल। नेक्स्ट है कच्चा रंग, इसे हम इंग्लिश से बोलेंगे सॉफ्ट कलर। सॉफ्ट कलर मीन्स कच्चा रंग। नेक्स्ट है पक्का रंग, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फास्ट कलर या बोल सकते हैं सॉलिड कलर या स्ट्रॉन्ग कलर, मीन्स पक्का रंग। नेक्स्ट है पानी के गुब्बारे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाटर बैलून्स या आप बोल सकते हैं वाटर वॉर्म्स, मीन्स पानी के गुब्बारे। नेक्स्ट है भिगो देना या भिगोना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेंच। ड्रेंच मीन्स भिगो देना या भिगोना, जैसे मैंने उसे भिगो दिया, आई ड्रेंच्ड हर। आई ड्रेंच्ड हर। नेक्स्ट है रंग लगाना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अप्लाई कलर। अप्लाई कलर मीन्स रंग लगाना, जैसे पक्का रंग मत लगाना, डोंट अप्लाई फास्ट कलर। डोंट अप्लाई फास्ट कलर। नेक्स्ट है घिसे हुए पुराने कपड़े जो कि हम होली में पहनते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ओर्न आउट क्लॉथ्स। ओर्न आउट क्लॉथ्स। नेक्स्ट है भांग, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हेम्प। हेम्प मीन्स भांग। नेक्स्ट है खाना या पीना, जैसे हम भांग खाते या पीते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कंज्यूम। कंज्यूम, जैसे क्या तुमने भांग पिया है, हैव यू कंज्यूम्ड हेम्प। नेक्स्ट है गुजिया, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग। स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग मीन्स गुजिया। नेक्स्ट है मठरी, इसे हम इंग्लिश से बोलेंगे फ्लैकी बिस्किट। फ्लैकी बिस्किट मीन्स मठरी। नेक्स्ट है मालपुआ, इसे हम इंग्लिश से बोलेंगे पैनकेक। पैनकेक मीन्स मालपुआ। नेक्स्ट है चावल की खीर, इसे हम इंग्लिश से बोलेंगे राइस पुडिंग। राइस पुडिंग मीन्स चावल की खीर। नेक्स्ट है साबुनदाने की खीर, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सैगो पुडिंग। सैगो पुडिंग मीन्स साबुनदाने की खीर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सन टीच चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।